नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं निपा वायरस के बारे में कि निपा वायरस क्या है, किस तरह से फैलता है, इसके लक्षण क्या है, किस तरह से बचाव किया जा सकता है और क्या ट्रीटमेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाएं, सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा है उसको दबाएं और पास में जो बेल आइकन का है उसको भी दबाएं ताकि आपको नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों बात करते हैं निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस भारत में आउटब्रेक होने से पहले मलेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में कई बार महामारी का रूप ले चुका है और वर्तमान में केरल में ये आउटब्रेक हुआ है और मेडिकल इमरजेंसी के रूप में भारत में फैल रहा है। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इसके बारे में अलर्ट जारी किए हैं। दोस्तों इससे अभी तक काफी मौतें हो चुकी है और एक अपनी साथी नर्स लिली जो पेशेंट की केयर करते हुए इन्फेक्टेड निपा वायरस से उनकी मौत हो चुकी है, उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं निपा वायरस क्या है। निपा वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, मुख्य रूप से फ्रूट बेट यानी जो चमगादड़ फल खाते हैं उनसे इंसानों में फैलता है और फ्रूट बेट को अपने फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि निपा वायरस कैसे फैलता है। तो सबसे पहले अगर अपने इन्फेक्टेड फ्रूट खा लिया जो निपा वायरस से संक्रमित बेट थी या चमगादड़ थी उसका इन्फेक्टेड फ्रूट अपने खा लिया तो सीधा अपने संक्रमित हो सकते हैं। अगर दूसरा, अगर उस फ्रूट को सुअर ने खाया और उस सुअर का मीट या उस सुअर के संपर्क में इंसान आ गया तो फिर अपने उसे संक्रमित हो सकते हैं। तीसरा, अगर निपा वायरस से इन्फेक्टेड बेट के चमगादड़ के संपर्क में घोड़े आ गए और उन घोड़ों के संपर्क में इंसान आ गया तो अपने इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और चौथा है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड इंसान है निपा वायरस से, उसके कॉन्टेक्ट में अगर कोई आदमी आ जाता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब अपने देखते हैं कि निपा वायरस से इन्फेक्टेड होने पर क्या क्या साइन सिम्टम लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है, पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाता है। दूसरा, उसके सिर में तेज दर्द होता है। तीसरा, तेज दिमागी बुखार हो जाता है। चौथा, धुंधला दिखने लग जाता है। पांचवा, सांस में दिक्कत होने लग जाती है। और छठा, पेशेंट कोमा में जाना शुरू हो जाता है और इन्फेक्टेड होने के 48 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट कोमा में चला जाता है। बात करते हैं बचाव की, निपा वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले कोई भी फ्रूट अपने को लगे कि किसी भी जानवर या किसी का भी बाइट किया हुआ है, चाहे वो बेट का, चमगादड़ का हो या न हो, अपने को नहीं खाना है फ्रूट सब्जी। उसके बाद में सुअरों के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। उसके बाद में इन्फेक्टेड घोड़ों के कॉन्टेक्ट में अपने को नहीं आना है और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टेक्ट में अपने को नहीं आना है। तो इस तरह से अपने निपा वायरस से बचाव कर सकते हैं। अब क्या ट्रीटमेंट दिया जाए निपा वायरस से अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया है इंसान। तो दोस्तों अब तक इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जाता है, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में रखा जाता है और पेशेंट को आइसोलेटेड रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नर्सिंग केयर करते हुए अपने फील्ड के साथी किस तरह से इसमें बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आया तो उसकी केयर करना बड़ा प्रथम दायित्व है। तो दोस्तों अपने को नर्सिंग बैरियर यूज करना है, उसमें मास्क प्रॉपरली बांधा हुआ होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, अगर गाउन अवेलेबल है तो अपने को गाउन पहनकर भी काम करना चाहिए। अपने राजस्थान की या अपनी इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज की जहां बात करते हैं तो ग्लव्स और मास्क बहुत जरूरी होना चाहिए। तो दोस्तों आज आपने जाना कि निपा वायरस क्या है, क्या क्या लक्षण है, किस तरह से इंसानों में फैलता है, क्या बचाव कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं भी आया तो डिसलाइक कीजिए, आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।